आपको गीत के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ भाई, जो वैष्णो देवी जाए उसके बच्चे वैष्णो देवी जैसे ही हों, चार हाथ के हों, हाथ चार ना हो तो उंगली तो छह छह जरूरी हों, गलत तो नहीं है, हाथ उठा के मुझे बताते रहे, सही बात है भाई। वैष्णो देवी जा रहा है तो ऐसा ही बच्चे लेके आए, अगर हाथ छह ना हो तो उंगली जरूर दो दो चार चार निकली हो, ब्याह करने में शादी करने में भी परेशानी होगा, छह उंगलियों का लड़का ढूंढो अब इसके लिए। और जो जो भैरव जाए उसके बच्चे शराबी हो, उसके घर वाले शराबी हो ना हो है? भाई जैसे कि पूजा कर, अच्छा एक बात बताओ, आप देसी घी की दुकान पे जाना और ये कहना भैया एक लीटर दारू या एक अद्धा दे दे, गाली देगा, ये कहेगा तुझे दिखता नहीं है घी की ही दुकान है, यहाँ घी मिलता है, और दारू की दुकान पे जाकर ये कह दो भैया घी दे दे तो क्या कहेगा, गाली देगा। अब जब तुम हनुमान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे उल्टे सीधे ही पैदे होंगे, मोटी बुद्धि के ही बच्चे पैदे होंगे, कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना ज्ञान था उसे यही पता नहीं थी संजीवनी बूटी कौन सी है, हैं? उसे यही पता नहीं था ये सूरज है या फल है। देखो अब ये ज्ञानी आदमी के लक्षण है, ये अज्ञानी आदमी के लक्षण है। और जिन जो कावड़ लेने जाए उसके बच्चे शिवजी जैसे हो जाएं, भांग पिए, भांग ना मिले शराब पिए, इंग्लिश ना पिए देसी पिए। हमारे बीच में भाई संदीप जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई संदीप जी का। अब बताओ मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो? और मैं ये भी कहता हूं कि अगर तुम बाबा साहब के पास आओ तो तुम्हारे बच्चे बाबा साहब जैसे ही हो। फिर भी थोड़ा सा शेयर कर दें, घर में बैठे हुए आपके और जो रिश्तेदार हैं वो उस माध्यम से आपके दोस्त फेसबुक पर सुन सकें, तो सभी अपना मोबाइल निकाल कर SM न्यूज डालकर उसको शेयर कर दें, आगे बढ़ा दें ताकि और लोग भी घर बैठे यहाँ के प्रोग्राम को लाइव वहाँ देख सकें। तो साथियों बात चल रही थी कि आप दारू की दुकान पर जाओगे तो दारू मिलेगी, और घी की दुकान पर जाओगे तो घी मिलेगा, और बाबा साहब के प्रतिमाओं पर जाओगे तो आपके बच्चे बाबा साहब जैसे बनेंगे, और वैष्णो देवी जाओगे तो आपके बच्चे वैष्णो देवी जैसे बनेंगे, और भैया कावड़ लेने जाओगे तो आपके बच्चे शराबी नशेड़ी गंजे ऐसे ही मिलेंगे, घर आया है नहीं आगे पड़ोसी के घर में ही चले गए पिटके आए, कपड़े तन पे हैं नहीं है यही होश नहीं है तो आपके बच्चे ऐसे ही बनोगे। तो इस तरीके के पाखंड लोगों ने फैलाए और फैलते रहे हैं। आप लोगों से कहते हैं कि भैया इन्हें छोड़ दो तो पीछे हमारी माताएं बैठी रहती हैं, हमारे महिलाएं बैठी रहती हैं, कहती हैं नहीं दादी दादा परदादा सब करते चले आ रहे हैं, हम तो जो करते आ रहे थे उसे ही करते आ रहे हैं। भाई क्यों करते आ रहे हो, क्यों करते आ रहे हो, किसने आपको सलाह दी ऐसा करने के लिए, क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा करना उचित है या अनुचित है, क्या पीछे से चली परंपराएं आ रही ठीक हैं, क्या पीछे से चली आ रही सारी रीति रिवाज अच्छे हैं, नहीं सब गलत हैं। पहले रिवाज था 3 दिन बारात रुकती थी, आज आप रोक के देखो 3 दिन 2 घंटे में ही कहते हैं भैया खाना खाओ और निकलते रहो, हैं? वहां परंपरा नहीं निभाते। तो इन परंपराओं को तोड़ दें, ये परंपराएं गंदी हैं। जो बहुत बहुत ज्ञानी लोग थे वो बाबा साहब को बाबा कहते थे और कहते थे कि बाबा साहब तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, यानी कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते थे। क्यों मानते थे, कैसे मानते थे? और यहाँ के जो संत ऋषि थे, संत बोले तो ये सफाई अभियान जो चल रहा है जिसे मोदी सरकार कह रही है कि स्वच्छ अभियान, ये कोई स्वच्छ अभियान नहीं है, स्वच्छ अभियान के जनक थे बाबा संत गाड़गे जो धोबी समाज से बिलोंग करते थे। कौन थे? संत गाड़गे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो गांव गांव जाके झाड़ू लगाते थे और अपने समाज के लोगों से कहते थे कि अपनी बस्तियों को साफ सुथरा रखो झाड़ू लगा के टाइम से। अभियान बाबा गाड़गे ने चलाया, तो बाबा गाड़गे भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते थे। और बाबा साहब की जिस दिन मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को,
तो बाबा गाड़गे बहुत बीमार थे, और जब बाबा साहब का संदेश ये मिला गाड़गे साहब को कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बाबा गाड़गे रोने लगे और कहने लगे अब मेरा भी इस दुनिया में रहना उचित नहीं है, अब मैं किसके सहारे किससे प्रेरित होऊंगा। और ठीक 10 दिन बाद बाबा गाड़गे ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसे कहते हैं प्रेम। एक संत, एक महात्मा, एक ऐसा संत जिसने बाबा साहब के लिए यह कहा कि बाबा साहब मेरे आदर्श हैं, तो ऐसे संतों को भी प्रणाम करता हूं। तो ऐसे संत